फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल रोबस बाज़ार पे आपका। बजाज फिनसर्व स्टॉक के ऊपर आज हम बात करेंगे। और बजाज फिनसर्व जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 17,000 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से स्प्लिट हुआ स्टॉक। अब स्टॉक की वैल्यू जो चल रही 1775 राइट नाउ ट्रेडिंग इस गोइंग ऑन, और अभी 2 बज रहा है और 1775 के आसपास ट्रेड हो रहा है स्टॉक। अब स्टॉक में हमारे नेक्स्ट लेवल्स और टारगेट्स क्या बनेंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट टारगेट बन रहे हैं एटलीस्ट वो ये स्टॉक 1813 रुपये तक जाता हुआ आराम से दिखाई दे रहा है। पोजिशनल व्यू के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर स्टॉक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिगेटर के ऊपर आना चालू हो चुका है और 50 और 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अब ये स्टॉक ऊपर आना चालू हो चुका है। तो स्टॉक में एक पोजिशनल टारगेट बना सकते हैं हम 1814-1813 रुपये का टारगेट लेके चल सकते हैं। इस स्टॉक में अगर कोई स्टॉप लॉस लेना भी चाहते हैं आप तो एक स्टॉप लॉस लेके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस हमें लेना है 1740 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लेना है और 1813-1814 का हमारा पहला टारगेट होगा। ठीक, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया था। थैंक यू सो मच।